सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, आराम से सबकी बातें सुननी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन पे भी उसे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए उसका बिहेवियर, हर ये नहीं कि यहाँ पे गुस्सा वहाँ पे, हर कंडीशन में स्टेबल होना चाहिए। स्पेशल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स की दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने चाहिए, सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, सिंपैथी एम्पैथी और अपने आप के बिहेवियर को प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, हर चीज़ में उसे दूसरों को मोटिवेट करने वाला चाहिए कि कैसे करना है, गाइड कैसे करना है, यानी फॉर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गाइड वन थिंकिंग एंड एक्शन, कि दूसरे जो वो सोचता है वही उसके एक्शन में दिखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, परसीव टू बी सेंसिटिव योर फीलिंग एंड इमोशंस, कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस, अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी रिलेटेड योर इमोशनल योर थॉट्स एंड इंटरपर्सनल, जो अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे वही इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में, यानी कि आईक्यू क्या था वो इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने का था, और ईक्यू क्या हुआ इमोशनल क्वांटिटी जो हुआ कि किसी भी पर्सन के इमोशंस कैसे वर्क कहते हैं, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज़ अ इमोशनल क्वांटिटी।